कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतप्रिया गांव के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व विधायक का फूलमालाओं से स्वागत किया। इसी कड़ी में बलवान सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी से लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को ना ही तो उनकी फसलों का उचित दाम मिल रहा है, ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। जिस तरह से सरकार ने लोगों को पोर्टल पर उलझा रखा है, इससे जनता बड़ी परेशान आ चुकी है। जैसे कि फैमिली आईडी की बात हो, प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे कोई अपनी फसल को बेचने के लिए पोर्टल पर दर्ज कराने की बात हो या फिर बाढ़ का मुआवजा लेने की बात हो, सब लोग परेशान हो चुके हैं। फतेहाबाद से रमेश ढाका की रिपोर्ट। 2024 का चुनाव 7-8 महीने बाद लगता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जब गांव में जाते हैं तो आम जनमानस भाजपा और जजपा सरकार से त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि किसानों को ना तो फसल के दाम मिल रहे, ना मजदूर को मजदूरी मिल रही है, ना छात्रों को रोज़गार मिल रहा है, और भी बहुत सी जन समस्याएं लोगों के सामने आए दिन मुंह बाए खड़ी है। और जिस तरह से सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश को पोर्टल पे उलझा के रख दिया, उससे जनता बड़ी परेशान है। चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे कोई अपनी फसल को कहीं पोर्टल पे दर्ज कराने की बात हो, चाहे कोई बाढ़ रात का कोई मुआवजा लेने की बात हो, सरकार सिर्फ इनको पोर्टल में उलझा के शब्दों के मायाजाल में भ्रम जाल में फैलाना चाहती है, और देने के नाम पे सरकार हमेशा खाली जेब दिखाने का काम करती है। और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, जो ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आएंगे, भाजपा सरकार को तड़ी पार करने का काम करेंगे। सेम की समस्या बड़ी एक भयंकर बीमारी है। जब मैं 2014 से 19 था, तो उस समय मैंने चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे कोई दूसरा प्लेटफार्म हो, सेम की समस्या को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था। और उसका ये परिणाम निकला कि बडोपड़ की सेमग्रस्त एरिया में मैं कुछ ट्यूबवेल लगाने में कामयाब हुआ, ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिली। और इसी तरह से खावड़ा की सेम को छुटकारा दिलाने के लिए मैंने 6.5 करोड़ की प्रपोजल बनाई थी, और वहाँ से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के द्वारा जांडवाला बागड़ में वो रंगोई में पानी जाना था, लेकिन उस समय भूमि इक्वायर के लिए किसान की सहमति ज़रूरी थी, लेकिन हमें भूमि नहीं मिल पाई, इसलिए प्रपोजल वो ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने सेम के किसानों के बारे में आज तक कहीं भी कोई जिक्र तक नहीं किया। अगर हमारे मौजूदा विधायक, सरकार के जनप्रतिनिधि और सरकार सेम के प्रति थोड़ी बहुत संवेदनशील होती, तो सरकार के लिए सेम मुक्त करना भूमि को कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी को ही चाहती है। पहले कहते थे व्यापारियों की सरकार, हम सोचते थे छोटे व्यापारियों की होगी, लेकिन ये अडानी और अंबानी के सिवाय ये छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को, किसानों को हमेशा मारने का काम करते हैं। और ये सोचते हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम में इनको उलझा के और इनके बच्चों को अनपढ़ रख के हमें राजनीतिक रोटियाँ ऐसे ही सेकते रहें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।